जिला पंचायत की सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने अपनी दो दिवसीय जन सुनवाई में पहले दिन 39 मामले की सुनवाई के लिए पक्ष रखे। छत्तीसगढ़ के 3 साल के कार्यकाल में 191 सीरियल नंबर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने दुर्ग में 2 दिवसीय जन सुनवाई के मामले में गुरुवार को पहले दिन 39 मामले रखे गए, जिसमें 7 या 8 मामले की सुनवाई की गई, तो वही दूसरे दिन भी मामले की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया 3 साल के कार्यकाल में दुर्ग जिले में लगभग 16 सुनवाई हुई है, जिसमें प्रमुख प्रकरणों की जानकारी देते हुए मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। अरे पूरे छत्तीसगढ़ के मेरे 3 साल के कार्यकाल में ये सुनवाई का सीरियल नंबर 191 है और कल भी यहाँ सुनवाई है। आज यहाँ पे 39 मामले रखे गए थे, जिनमें से लगभग 7 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित थे और 5 मामले अभी तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ये 3 साल के कार्यकाल में जो हमारी सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें दुर्ग जिले में मेरे ख्याल से 15वीं या 16वीं है सुनवाई। एग्जैक्ट आंकड़े आपको मैं अगले हफ्ते दे दूंगी पूरी एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की सुनवाई में जो 3-4 प्रमुख प्रकरण हैं उनकी जानकारी आपको देना जरूरी समझते हैं। पहला मुद्दा है भिलाई महिला महाविद्यालय का, जहाँ के प्रिंसिपल और 9 प्रोफेसर ने हमारे पास याचिका लगाई थी। लगभग 3 साल हो गए, कई दौर की सुनवाई हो चुकी थी और अंतिम पिछली सुनवाई में हमने ये डायरेक्शन दिया था कि कलेक्टर दुर्ग इस महिला महाविद्यालय का संरक्षक के तौर पर उसके ऊपर ट्रस्टियों के ऊपर में अपना पोजिशन लें और इसकी व्यवस्था को सुधारें। आयोग के ऐसे निर्देश देने के बाद ही ट्रस्टी गण जो है हरकत में आए और उन्होंने प्रिंसिपल और सारे प्रोफेसर को 2020 की स्थिति में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बहाल कर दिया और उनके पुराने वेतन बकाया सारे भुगतान भी कर दिए। तो ये मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में अपने तरह का पहला मामला है कि आयोग की सुनवाई के बाद 10 लोग अपनी सेवा में बहाल हो गए और उन्हें पुराने वेतन भत्ते भी मिल गए, इसलिए इस प्रकरण को आज नस्तीबद्ध किया है। एक मामला जो इम्पोर्टेंट है कि एक बहन का पैसे और संपत्ति भाई ने अपने पास रख लिया था और आयोग की सुनवाई आज पहली सुनवाई थी, उसी में आवेदिका ने कहा कि मेरे भाई ने अब 60,000 रुपये वापस कर दिया और 20 भी वापस कर देगा। एक प्रकरण और जो था दानी स्कूल रायपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ लगाया था, परंतु जो आवेदिका थी वो प्लेसमेंट एजेंसी की कर्मचारी थी और जिस एजेंसी के तहत वो काम कर रही थी वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड कर दी गई, इसलिए उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया कि वो अपनी कंपनी के खिलाफ आवेदन देकर वहाँ कार्रवाई करा सकती है। ये मामला भी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। किन्नर समाज ने हमारे पास एक आवेदन किया था गौरिया देवरनिन भटगांव के खिलाफ। जब मैंने पूछा कि आपने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है किसका है, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों का नाम लेना मुश्किल है, उनकी कुछ फ़ोटो और वीडियो उनके पास है और इसके आधार पर अभी कोतवाली थाना से ASI को बुलाया गया और उन्हें वो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं और कहा है कि कल तक इनमें से 2-3 लोगों को ट्रेस करके पॉसिबल हो तो ले करके यहाँ उपस्थित हों, क्योंकि इन भटगांव की ये जो हमारे किन्नर समाज की महिलाएं हैं उनका नाम को बदनाम करके ये लोग समाज में वसूली कर रही हैं, जिससे एक बीच में गुटबंदी और ऐसी स्थिति ना हो, आपराधिक स्थिति ना हो, इसलिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।